नमस्कार। तो भारत से ये जो तकनीकी दूरियां मिटाने में मदद करती है उसका सहारा लेते हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ आपका वो काव्य संकलन याद आता है जिसका शीर्षक है समय, सपना और तुम। तो इसी का आधार लेते हुए आप एक कवि के रूप में क्या सपना, जब आपने कविताएं लिखना शुरू किया तो संजोए थे, वो एक सहज अभिव्यक्ति का माध्यम था या कविता आपके लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम रही? बहुत आसान सी बात है। मैंने अपने जीवन में समाज के साथ तीन समझौते किए। मेरा पहला समझौता समाज के साथ एक चिकित्सक के रूप में था। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में चिकित्सक था। तदोपरांत मैं एक सैनिक टुकड़ी के साथ रहा जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है। समाज के साथ मेरा दूसरा जो समझौता था वो एक सैनिक के रूप में था। और तदोपरांत मैं एक राजनयिक रहा हूँ। मैंने बैंकॉक में, नेपाल में, हांगकांग में, लंदन में और दुनिया में जगह जगह घूमकर राजनय की वृत्ति भी अपनाई है। तो समाज के साथ मेरा तीसरा समझौता एक राजनयिक के रूप में था। और कविता मेरे लिए एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे मैं समाज को वो लौटा पाता हूँ जो मुझे समाज से मिला है। क्योंकि बाकी जो तीनों समझौते थे उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी नहीं होती, न चिकित्सक के रूप में, न सैनिक के रूप में, न राजनयिक के रूप में। और मेरी ये मान्यता है कि समाज में केवल कवि एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज को सीधे सीधे शब्दों में जो समाज से मिलता है उसको लौटाता है, चाहे व्यंग्य में लौटाए, चाहे प्रेम में लौटाए। मैं सच्ची बात यह कि मुझे जीवन में बहुत प्यार मिला है तो मैं प्यार की कविताएं लिखता हूं और प्यार लोगों को लौटाता हूं। तो मधु जी, आपने कहा कि आपको जीवन में बहुत प्यार मिला है, उससे पहले आपने जो शब्द प्रयोग में किया है समझौते, तीन स्तर पर आपने किए, आप इसको समझौते की तरह देखते हैं? आप एक चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे हैं या राजनयिक के रूप में सेवा दे रहे हैं? ये शब्द समझौता लगता है बहुत गहरे और बहुआयामी अर्थ लिए हुए है जब आप इसका यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। समझौते का यहाँ पर अर्थ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। यदि एक चिकित्सक के रूप में आप मुझे कोई भी बात बतलाएंगे तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उसे गोपनीय रखूं। इसको डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये बड़ी अच्छी तरह लीगल टर्म्स में डिफाइन किया गया है कि मैं अपने किसी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह जब सैनिक के रूप में हैं तो आप सरकार से, जो आपके सुपीरियर्स हैं, उनकी गोपनीयता बरकरार रखते हैं। आप ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जिससे एक सैनिक की गोपनीयता टूटे। राजनयिक में यही दायरा और थोड़ा बढ़ जाता है। आप भारत सरकार के लिए राजनयिक का काम करते हैं तो आप विश्व में बिना सरकार की अनुमति के कुछ भारत सरकार के बिहाफ पर कह नहीं सकते। लेकिन कवि के रूप में आपको जहां जहां से जो कुछ मिलता है वो आप स्पष्ट रूप से कह पाते हैं। तो आपके इन समझौतों से मुक्ति मिल जाती है जी। तो आपके कवि रूप की तरफ बढ़ने से पहले जो आपका नाम है मधुप, वो भी अपने आप में बड़ा रसमय संकेत देने वाला नाम है। तो इस नाम के साथ में जो हमारी परंपरा में श्री कृष्ण से संबंधित कुछ पद आए हैं वो भी मधुप कहकर गोपियां संबोधित करती रही हैं, तो ये नाम जो आपको मिला है निश्चित रूप से आपके पिता जी या आपके नाम परिवार जन पूरा इतिहास है। मेरी माता को एक कन्या चाहिए थी जी, प्रथम शिशु के रूप में, तो उन्होंने ये अपेक्षा की थी उसका नाम वो मधु रखें, किंतु मैं बालक उत्पन्न हुआ तो उस समय वो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता कामायनी पढ़ रही थी और कामायनी में मधुप नाम कई बार प्रयोग में आया गया है, तो उन्होंने मेरा नाम जयशंकर प्रसाद की कामायनी से चुना। और मधुप का अर्थ होता है भौरा। भौरा जी जी। तो अगर आप कामायनी के कई सर्ग पढ़ेंगे तो खास तौर से वे सर्ग जिसमें नायिका एक प्रेमिका के रूप में है
आप पाएंगे कि जयशंकर प्रसाद ने एकाधिक बार मधुप शब्द का प्रयोग तो डॉक्टर मधुप जी, समय जो है वो ये कहता है कि आपकी जो प्रारंभिक कविताओं का प्रस्फुटन प्रारंभ हुआ, उसमें से यदि कोई पंक्तियां आपको याद हो या पहले पहले की लिखी हुई कविताओं में से कुछ याद आता हो तो आप कृपा करके सर। जो 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 कविता मैंने पहली बार में लिखी और उसको मैंने पहली बार जिस तरह सोची सामने लिखता गया और उसको कभी परिवर्तित नहीं किया, उस कविता का नाम है रचना। और उसको वो अगर आप मेरी पुस्तक आपके समीप हो तो आप उसमें पाएंगे भी। वो एक इस तरह की कविता है जो जब मेरी अभिव्यक्ति और चेतना दोनों जुड़ जाती हैं उस पर मैंने यह कविता लिखी। ये कविताएं जो मेरी शुरुआती कविताएं हैं वो दिल्ली में घूमते हुए जामन पढ़ते हुए या मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए मैंने लिखी थी। उसमें जो एक कवि का नैसर्गिक आग्रह होता है सत्य जानने के लिए, इस तरह की कविताएं हैं जैसे कि मैं पारदर्शी दृष्टि से हर आवरण के पार ओठ में रखे हुए प्रत्येक मिथ्या भ्रमजनक अस्तित्व को छू ज्ञात करना चाहता हूँ। क्या बात, सत्य क्या, तुम्हें भी अधिकार है, तुम टटोलो तहे मेरी और पहचानो कि मैं बहता हुआ पानी नहीं हूं, महासागर। धन्यवाद। क्या बात, बहुत अच्छे। तो बहुत ही मार्मिक कविता जिसमें दर्शन भी है और संवेदना की कई परतों को अनावृत करने में पाठक की मदद करने वाली रचना आपकी, एक उसकी वानगी जो हमें मिली। एक बात बताएं, जो भारत में सामान्यतया रहता है कि जो अगर मेडिकल पढ़ रहा है तो उसका लिटरेचर के साथ में संबंध अच्छा हो, इसकी ऊपर प्रश्न चिन्ह सा लगा रहता है, तो आप दोनों नावों पर एक साथ सवारी करते रहे। अगर ऐसी मान्यता है तो मैं नहीं समझता कि ये उचित मान्यता है। और अगर आप साहित्य का इतिहास देखें तो एकाधिक साहित्यकार ऐसे हुए हैं सभी भाषाओं में जिन्होंने साहित्य का सृजन किया है। और कुछ कुछ मेरा शुरुआती लिखने में रुझान इसलिए पड़ा कि मैं सोमरसेट की मॉम की किताब पढ़ रहा था, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। उसमें एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में वो अपनी जीवनी आगे बढ़ाते हैं और लिखते चले जाते हैं। तो शुरुआती दौर में मैं सोमरसेट मॉम से काफी प्रभावित था। और मैं यहाँ कह दूं कि मैं एक नॉवेल प्रारंभ कर चुका हूँ जो मैं समाप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि तो शुरुआत वो मैंने एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में की थी और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो 30-40 वर्षों से लिखा ही जा रहा है। लेकिन कविताएं मैं समय समय पर लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मुझे उनको अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। लेकिन मेरी पूरी अपेक्षा है कि शीघ्रातिशीघ्र मैं उस नॉवेल को समाप्त कर लूंगा। तो आज और मैं अकेला ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ जो यहाँ लिखते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो यूएसए में भी बसे हुए हैं, जैसे डॉक्टर गुरशरण सिंह बग्गा जो हैं, वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा संगीत करते हैं, अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, तो इस तरह के बहुत डॉक्टर हैं। मधु जी, आपके कवि स्वरूप के साथ जुड़ते हुए भाषा की बात करें, जो कवि भाषा अपने लिए चुनता है या जो शब्द उसको अपनी ओर बुलाते हैं, तो इसमें भाषा में हिंदी और संस्कृत निष्ठ शब्द हो या उर्दू के साथ भी एक तालमेल रहे, आप किस तरह लेते हैं अपनी अभिव्यक्ति में भाषा के संबंध को? ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और ये बड़ा सामयिक प्रश्न है, क्योंकि कोई भी कविता केवल मन में उत्पन्न नहीं होती, समाज के साथ जो आपके समीकरण जुड़ते हैं उनसे उत्पन्न होती है। और मुझे दुनिया भर में घूमने का बहुत मौका मिला है। अगर आप मेरी कविताओं में से ही देखें तो जहां संस्कृत निष्ठ कविता आपको मिलेगी वहां उत्तराखंड के बहुत बिंब आएंगे जहां भाषा जो है संस्कृत निष्ठ होती है, या वाराणसी के बहुत बिंब आएंगे। और कहीं कहीं आपको मेरी कविताओं में भोजपुरी का पुट भी मिलेगा क्योंकि मुझे लगभग पूरा बिहार देखने का मौका मिला।
नीचे की तरफ आप मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आपको फिर मेरी भाषा संस्कृत निष्ठ मिलेगी, क्योंकि ये समय काल और व्यक्ति के ऊपर आधारित भाषा होती है। इसी तरह से जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मुझे उर्दू निष्ठ शब्दों का, क्योंकि जहाँ मेरा जन्म हुआ था जलालाबाद, जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर जो हमारी दैनंदिन बोलचाल की भाषा थी वो उर्दू मिश्रित हिंदी थी, जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता है, जिसको गंगा जमुनी भाषा कहा जाता है। तो मेरी बहुत सारी कविताएं आपको उस गंगा जमुनी शैली में, और नीचे मथुरा की ओर मैंने ब्रजभाषा का पुट देकर भी लिखा है। और इसी तरह मुझे, मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिनको कैरेबियन की हिंदी, यूएसए की हिंदी, यूके की हिंदी, जहां जहां जैसी हिंदी बोली जाती है उनसे जुड़ने का, जैसे पोलैंड आप देखें जहां मैं पिछले कुछ वर्ष था, तो वहां लगभग 3,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो पोलिश मूल के हैं और हिंदी बोलते हैं, और उनकी कविता आपको जब वो सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो संस्कृत में लिखी गई हो, क्योंकि उनका जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है वो संस्कृत से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। लगभग 600 साल से पोलैंड के अंदर संस्कृत पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है। तो जिस परिवेश में जैसी हिंदी आपको सुनने को मिलेगी वैसी हिंदी में ही आप बात करेंगे और उसी में लिखेंगे। मधु जी, आपसे बात करते हुए बहुत प्रसन्नता कई स्तरों पर एक साथ होती है, जो इस तरह जागृत रहकर इतने स्थानों पर गया हो और भाषा के साथ इतना रसमय संबंध रखने वाला हो, ऐसा मनुष्य आज के युग में थोड़ा बिरला हो ऐसा लगता है। पर इस तरह की टिप्पणी, जिसे प्रशंसात्मक भाव की अभिव्यक्ति मानते हुए, आपसे अनुरोध है, आप अगर भोजपुरी की कोई अपनी रचना का एक बानगी, और इस समय मुझे स्मरण नहीं है, नहीं तो मैं अवश्य आपको सुनाता। जी जी जी। लेकिन 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था में मैंने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जो भोजपुरी में थे, लेकिन समय हो गया तो इस समय मैं आपको जी बिना सम्मुख रखे हुए सुना नहीं। तो कोई एक और रचना आपकी, आपके संकलन, एक तो समय, सपना और तुम, इसके अलावा भी कुछ प्रकाशित हुए हैं? जी, मेरा दूसरा जो संकलन है वो प्रकाशनाधीन है, और मैं गीता जी की सीडी की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जब उसका हम एक साथ मिलकर लोकार्पण करेंगे तभी मैं उस पुस्तक का भी लोकार्पण करना चाहता हूँ। तो उसका शीर्षक मैंने दिया है तुम्हारे लिए एक बस, अभी प्रेस में है, और संभवतः उस पुस्तक से सुनाना अभी उचित नहीं होगा, उसको एक और समय के लिए रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मधु जी, मैं आपको, क्योंकि आपने अनुरोध किया है, तो मैं आपको एक ऐसी नज्म सुनाता हूँ जो उत्तर यूएसए और कनाडा में जब हम लोगों ने भ्रमण किया और कैरेबियन में भ्रमण किया तब बड़ी लोकप्रिय हुई थी। ये मेरी पुरानी नज्मों में से एक है। जी, स्वागत। तू मेरा सच तो है यकीन नहीं, कितने मासूम अंधेरों में तलाशा था तुझे, कितने संगीन उजालों में तुझे पाया है, कितना चाहा था कोई रिश्ता निभाऊं तुझसे, और जाना कि तेरा अक्स भी पराया है। स्याह रातों के कमजोर तल्ख लम्हों में तुझको रग रग में महसूस किया है अक्सर, बारहा तेरी याद आई है, ये तेरे ओठ, तेरी जुल्फें, ये तेरी बाहें, ये तू नहीं तेरी परछाई है। नींद से जाग गया हूं और ये पाया है, मेरे पांवों तले जमीन नहीं, तू मेरा सच तो है यकीन। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मधु जी, ये जो साहित्य की आपकी यात्रा है, इसको समृद्धिशाली बनाने में कुछ लेखकों के नाम तो आपने शेयर किए, पर जो अभी हमारे भारत में हिंदी भाषा में या उर्दू भाषा में लिखने वाले कुछ नाम हैं, उनमें से किसी ने आपको मुतासर किया है? जी, शैली की दृष्टि से जब आप गद्यात्मक शैली की बात करते हैं, हालांकि कथ्य मेरा उनसे कुछ अलग है, लेकिन अशोक चक्रधर जी से मैं काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि वो ब्रजभाषा में भी लिखते हैं, शुद्ध साहित्यिक हिंदी में भी लिखते हैं, विख्यात शायर हैं दीक्षित दनकौरी जी, और जो मेरी ननसाल रही है वहाँ के गोपाल प्रसाद नीरज जी, इन लोगों से मैं काफी प्रभावित रहा हूँ, इनसे मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहा है। इसी तरह कुंवर बेचैन जो हिंदी के साहित्यिक हैं, उर्दू के लोगों में मेरे व्यक्तिगत जिन लोगों से मित्रता रही है उसमें गुलजार साहब, जावेद साहब,
और इसके अलावा वसीम बरेलवी, और पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जैसे किश्वर नाहिद, इन लोगों से मेरा काफी जुड़ाव रहा है और इनसे मैं प्रभावित भी हूँ। निदा फाजली साहब, तो इन जी सब लोगों से मैं जुड़ा रहा हूँ अपनी यात्रा के दौरान और इनसे काफी प्रभावित भी हूँ, सीखने को बहुत कुछ। मधु जी, आपका पुनः स्वागत है। और स्वागत के साथ हम बात करते हैं उस दिशा में जहां कविता और संगीत मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, संगीत कविता को आगे ले जाने में क्या भूमिका निभाता है? वो कविता जो गाई न जा सके, जो संगीत से न जुड़े, वो आवश्यक है। यदि वेद आज जीवित हैं, तो उसका कारण ये है कि वेद पाठ की लगभग 5,000 साल पुरानी परंपरा है, और ऐसी कविताएं जिनको संगीत पर साध कर उसमें पिरो कर गाया जाए, उनकी जीवन की जो परिधि है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो गाया जाने, आपको ऐसे गाने अक्सर याद आ रहे हैं जैसे 1913 की जो पहली रिकॉर्डिंग्स थी इंडिया में मुन्नी बाई की, वो रिकॉर्डिंग, या 56 छुरी की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो आजकल भी प्रचलित हैं, पुराने टप्पे, पुरानी तोड़ी, ये सब आपको सुनने को, और वो इसीलिए जीवित हैं क्योंकि उनको संगीत में पिरोकर लिखा गया। लोकगीत क्यों जी, हमारा जो लोक साहित्य है वो इसीलिए जीवित रहता है कि वो लोकगीतों में जीवित रहता है, और घर में जब शादी ब्याह होते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो उनमें उसको गाया जाता है। तो ऐसी कविता जो लोक शैली से जुड़े और संगीत से जुड़े, वो अधिक जीवंत हो जाती है और अधिक समय तक। मोहित जी, आपने जब लिखना शुरू किया तो अर्थकांत कविताएं भी आपने लिखी हैं और छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। तो कोई ऐसी कविता जो आप तरन्नुम में सुनाते रहे हो या जिसको गुनगुना कर आपको स्वयं अकेले में आनंद आता रहा, ऐसी कविता हमारे साथ बांटें। ऐसी बहुत सी कविताएं हैं जो तरन्नुम में पढ़ा करता था, लेकिन सिगरेट पीने के बाद तरन्नुम लुप्त प्राय हो गया है, तो एक तो डॉक्टर हैं आप। टेलीविजन पर हूं इसलिए प्रयास भी नहीं करूंगा कि मैं आपको तरन्नुम में सुनाऊं। अच्छा, तो बिना तरन्नुम के आप सुनाएं जो ऐसी जिसके लिए आपको लगता है कि इसको गाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से गीता ने जो गाई हैं उनको आप सुने, वो लगभग मेरी सभी कविताएं गेय हैं और गाई जा सकती हैं, तो मैं गीता जी पर छोड़ूंगा कि उसको गा के आपको तरन्नुम में सुनाऊं। तो ये जो गीता जी का संदर्भ आने से मैं फिर अपने दर्शकों के साथ इस बात को बांट लूं कि एक संकलन है, एल्बम जिसका नाम है दिल है नगमा निगार, जिसके गीत गाने वाली और कंपोज करने वाली गीता सेतिया जो न्यूयॉर्क से एक प्रकार से संबंधित रही हैं और इस कार्यक्रम के द्वारा जो देख रहे हैं वो भी उन्हें कुछ कार्यक्रमों में ITV पर भी देखते रहे हैं। आप ये बताएं कि जो दिल है नगमा निगार एल्बम है उसमें जिस तरह आपके लिखे हुए गीतों को, गजलों को जैसे कंपोज करके उन्होंने प्रस्तुत किया, तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या रहा था? वॉज शी एबल टू कनेक्ट जहां से आप बात कह रहे थे? इसका एक साथ पढ़ा करें, और अचानक बरसों बाद हम लोग इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ जुड़े, और इंटरनेट पर हम लोग एक कविता का ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है अप्रैल इज नॉट द क्रूएलेस्ट मंथ। उसमें मैंने इन्होंने जोड़ा, इन्होंने मेरी कुछ कविताएं पढ़ी और लिखा कि ये गाई जा सकती है। तो मैं फैज की जो कुछ पुरानी नज़में नूरजहां ने गाई थी उससे बड़ा प्रभावित था। गीता की आवाज़ अगर आप सुने, तो मेरे ज़्यादातर मित्र ये मानते हैं कि जब वो बिना ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिक के गाती हैं तो उनकी आवाज़ में वही ओज है जो गीता दत्त की आवाज़ में था, और गीता दत्त की आवाज़ बरबस गीता सेतिया की आवाज़ में आपको झलकती हुई नज़र आएगी। तो मैं उनसे ये चाहता था कि वो अपनी आवाज़ में बिना किसी ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के उनको रिकॉर्ड करें। उन्होंने वो भेजी और मैंने अपने घर में आयोजित होने वाली कई गोष्ठियों में उनको, मित्रों को सुनाया, और सभी ने कहा कि गीता की आवाज़ में वास्तव में वो कशिश है जो गीता दत्त की आवाज़ में थी, जो एक ट्रेंड वॉइस होती है वो नहीं, जो एक फ्री फ्लोइंग नैसर्गिक आवाज़ होती है। तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड म्यूजिक का ये गीता का पहला प्रयास है, और जो मेरे मित्रों का सर्कल है मुझे नहीं मालूम कि
कितने लोगों ने ये की है, लेकिन इसका जो तीसरा ट्रैक है वो मेरा ऐसा सर्कल जो गांव से जुड़ा हुआ है, फोक सर्कल में, वहाँ ये काफ़ी पसंद की गई है। चलो ओढ़ूँ तुम्हारी याद की चुनरी। और जो अंतिम कविता है जिसको इन्होंने फिर फ्री फ्लो में गाया है, तुमने कभी रात की खामोशी से, वो अर्बन सर्कल्स में जो एक अर्बन एनोमी की कविता है, वो दिल्ली में काफी चल रही है। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो दिल है नगमा निगार एल्बम जब आपने पूरा सुना, आपको कैसा लगा? और इस दृष्टि से यदि आपने कुछ गजलों को फिर देखा हो कि जिस जगह से वो बात एक कवि हृदय में प्रकट हो रही थी और मौसीकी के साथ, गायकी के साथ आ रही है, तो वो उसी को आगे ले जा रही है या उसको कहीं कोई दूसरी दिशा? नहीं, उसको बिल्कुल आवाज, उन्होंने मेरी कविता को जीवंत किया है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और विशेष तौर से जो अंतिम कविता है, जब मैं रात के 12 बजे के बाद सोने वाला होता हूँ और मैं उसको सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद की रूह से बात कर रहा हूँ। दिस इज अ पोएम अबाउट नाइट, तो आप उसको सुनेंगे तो आपको बाद में महसूस हो। इट्स अ काफी सोलफुल रेंडरिंग है और आपको काफी मजा आएगा। तो आप जब लिखते हैं उसमें हिंदी में कुछ बातें कही गई हैं, शुद्ध हिंदी में कुछ बातें हैं जो उर्दू मिश्रित हिंदी में कही गई हैं, एक रचनाकार के रूप में क्या अधिक संतोषदायी होता पहले है, भी कहा कहां तृप्ति अधिक मिलती है आपको? कि कविता का मूल जो ध्येय है वो संप्रेषण या कम्युनिकेशन है। ऐसी कोई भी भाषा जो मेरी बात को आप तक पहुंचाए, वही गीत की या कविता की सही भाषा है। मैं हिंदी में और उर्दू में लिखने के सिवाय अंग्रेजी में भी लिखा हूं, तो जैसा मेरा परिवेश रहता है वैसी ही भाषा में कविता हो, उसी में कविता की समग्रता है। भारत में एक खास सड़क पे जो बोली जाने वाली भाषा है हिंदुस्तानी, तो आप आमतौर से पाएंगे कि जो हिंदी फिल्मों के लिरिक्स हैं या कोई भी लिरिक, आप वो गंगा जमुनी भाषा में पाएंगे। और अगर आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो उसमें, जिसको टपोरी साहित्य भी कहा जाता है, आपको बंबई की सड़कों पर हिंदी और मराठी के मिले जुले शब्द मिलेंगे। तो लिरिक की भाषा हमेशा ऐसी होती है जो एक मास ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सके। तो गीता ने वही लगभग कविताएं इस सीडी के लिए चुनी हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको वो रिसाइट करना चाहती हैं, उसको मेरी कविता से जोड़ती है। तो यह एक अनेकों कविताओं में से इन 5 कविताओं का संकलन काफी अच्छा किया। मधु जी, मेरे का इस बातचीत को विराम की तरफ ले जाते हुए फिर एक बार आपके साथ ये याद करते हुए कि आपने अपने जीवन में, आपके शब्दों में, समझौते करते हुए एक चिकित्सक के रूप में, एक राजनयिक के रूप में, और तीसरा समझौता आपने क्या बताया था? एक सैनिक के रूप में। तो ये जो सैनिक वाला अनुशासन है वो, और एक कवि मन के अंदर जो स्वतंत्रता और विस्तार को छू लेने की छटपटाहट है, वो दोनों एक समन्वित रूप में आपकी किसी रचना में आए हैं, ऐसा आपको लगता है? ये पहली जो कविता समय है उसमें आपको वो सभी मिल जाएंगी, उसके लगभग 8 सर्ग हैं। और वो एक कविता इस प्रकार, जैसे आपने टीएस इलियट ने टाइम के सब्जेक्ट पर अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, ये कविता तब लिखी गई थी जब स्टीफन हॉकिंग पहली बार भारत आए थे और उन्होंने एक, उनकी जग प्रसिद्ध पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये कविता मैंने इसलिए अटेम्प्ट की थी कि एक सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्स, एक सिविलाइजेशनल इंटरप्रिटेशन समय का क्या होता है, हाउ डू वी इंडियंस एज अ सिविलाइजेशन इंटरप्रेट टाइम। तो समय वो कविता है जो एक स्टीफन हॉकिंग के बड़े साइंटिफिक क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट ऑफ टाइम को एक साहित्यिक और एक सामाजिक रिस्पॉन्स देता है। इसमें समय को मैंने जिस जिस तरीके से एक राजनीतिक के रूप में, एक सैनिक रूप में और एक चिकित्सक के रूप में देखा है, आप उस कविता को पढ़ेंगे तो आप उसमें वो सारे रूप मेरे पाएंगे और उससे अलग भी पाएंगे। तो मधु जी, इस कविता की कुछ पंक्तियां आपके द्वारा सुनने को मिले, स्मरण है आपको? जी, एक ऐसा
कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो समय प्रधानमंत्री थे, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का अमृत महोत्सव 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा था उस पर लिखी थी। वो थोड़ी सी पंक्तियां, दो तीन ही लाइनें आपसे कहूंगा जो बड़ी उचित रहती हैं ऐसे। स्वागत है। देखो नेपथ्य में संभावना है, संभवतः समय मेरा गीत गाएगा। ये कविता की अंतिम पंक्तियां, और इन्हीं के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। यदि आप पुस्तक देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। धन्यवाद मधु जी, आपका बातचीत के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारी शुभकामनाएं।